इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहां, इसके मां बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहां पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो उनकी उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है। किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? और हां एक चीज और, आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर SCL, TCS, एक्सचेंजर इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो। क्योंकि पता होना चाहिए, मैंने सीईटी में आपको बता दिया था कि सीईटी में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं। और सीईटी में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जिस तरीके से SSC और रेलवे का बच्चा जूझ रहा है। तो जरा दम लगाओ। इतिहास पढ़ाता हूं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं तो देख लो किसी ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया था, किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना जरूर छोड़ा था, तब जाकर आजादी मिली थी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मतलब हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई जिसको बोलते हैं। सरकार ऐसी बातें करने वाली कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अगर मैं बोलूं कि हम आपकी सरकार गिरा दें अब तो डर नहीं लगता ना? नहीं लगता ना डर? मैं आज बताता हूं, जिसको आप ये समझ रहे हो ना कि ये युवा बिल्कुल पागल है, बेवकूफ बना लोगे, हर तरफ से फुद्दू काट रखा है इन बच्चों का, आपको मैं बता देता हूं इन बच्चों की ताकत क्या होती है। सरकार से ही बात कर रहा हूं, आप लोगों सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। जी हां, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, स्टूडेंट को, कि आप लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार ये ट्रेंड कराने की कोशिश करी जाती है, लेकिन आप लोग ट्रेंड नहीं कराते हो। आप लोगों को बार बार बोलेंगे कि ये ट्रेंड कराओ, तो आप लोग क्या ट्रेंड कराते हो? आप लोग ट्रेंड कराओगे ये, आपको ये ट्रेंड कराने में मैं आपको बड़ा मजा आता है, आपको ये ट्रेंड कराने में मजा आता है। ये आप देख रहे हो, विनोद सर्च करो तो यहां पर देखो 4 मिलियन व्यूज, यहां पर 13 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, क्योंकि बेवकूफ आप लोग हो, सरकार नहीं है। आप लोग बेवकूफ हो, इसीलिए सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपको भी ट्विटर कैंपेन की नहीं पड़ी हुई है, आपको भी आंदोलन की नहीं पड़ी हुई है। जब आप लोग सुबह शाम इस तरीके के वीडियोस में घुसे रहोगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग उसके बाद? जब उसके बाद फिर आप लोग बोलते हो सर सपोर्ट कर दो, पिछली बार भी तो वीडियो बनाया था, तो क्या हो गया उसमें? आप लोगों ने उस वीडियो को ट्विटर ट्रेंडिंग तक पहुंचाया, आप लोगों ने उस वीडियो को ट्रेंड कराया। हां, उससे पहले वाला एक वीडियो था जब मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कही थी, तब आप लोगों ने उसको ट्रेंड करा दिया था। लेकिन पिछला वीडियो भी जिस पर मैंने SSC के बारे में बात कही थी, उस पर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की ही गलती है। इसी वजह से आप लोगों को यह सरकार बेवकूफ बनाना चाहती है। सरकार को भैया एक बात बता देता हूं, भाई साहब अगर आपको यह लगता है ना कि ये युवा कुछ नहीं कर सकता, ये यूथ कुछ नहीं आपके लिए कर सकता, या फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आपको मैं याद दिला दूं 2011 के सेंसस उठाकर आप लोग देख लो, 27% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में केवल यूथ की है, और ये 27% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की नेशनल इनकम का 34% कलेक्ट करती है। आपको भी बेवकूफों, जी हां बेवकूफों, आप लोगों को भी ये पता होनी चाहिए, ये आप लोगों की ताकत है जो कि आप लोगों को खुद नहीं पता। 100 में से आपकी टोटल पॉपुलेशन पता है कितनी है? 27%। अब आप यहां पर खुद देख लेना, आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन समझा देता हूं, लेकिन आप लोगों को तो मैं प्यार से कुछ भी बोल सकता हूं, बेवकूफ भी बोल सकता हूं, लल्लू भी बोल सकता हूं, फुद्दू भी बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, क्योंकि हो ही आप लोग बेवकूफ। देखो अपनी बेवकूफत का परिणाम यहां पर देख लो, पहले 100 में से 27% आप लोगों की पॉपुलेशन है, यूथ की पॉपुलेशन है, और उसके बाद हिंदुस्तान की 100 में से 34% नेशनल इनकम आप लोग इस सरकार को कलेक्ट करके देते हो। 34 में से बचा कितने परसेंट इनकम? 66% इनकम बची। 66% में से तो इनके आका कमा लेते हैं आदि, जैसे कि अंबानी ग्रुप हो गए, अडानी ग्रुप हो गए, ये सब कमा लेते हैं 33%। बचा 33%, इस 33% से क्या इनका भला होने वाला है? इस 33% से इनका भला होगा? अगर देखा जाए कि इनके बड़े बड़े इन ग्रुप्स को अगर हटा दो जो इनके लिए 33% कलेक्शन करके दे रहे हैं, बचे हुए 33% से 1% आपकी फिर भी नेशनल इनकम में आपका योगदान ज्यादा है। और आपको क्या लगता है कि सरकार का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो? घर बैठे बैठे इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक सकते हो। जी हां बोल रहा हूं साफ साफ, घर बैठे बैठे इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक सकते हो। अब तो उड़ जाओ यार, अब तो थोड़ा सा अपने बारे में सोच लो। आप लोगों को भी सुबह शाम केवल विनोद से मतलब है, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में क्या हो गया, इनको भी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की अगर बात करें तो हम सबको पता है,
क्यों लगवा दी सीबीआई? इस वजह से लगवा दी क्योंकि बिहार में भैया चुनाव जीतना है। अभी बिहार में लोगों ने क्या बोल दिया कि जब तक सीबीआई नहीं मिलेगा, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को फैसला नहीं आएगा, उसके लिए न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बिहार में इलेक्शन बायकॉट। तो मैं भी तो कहता हूं ना, सीधे सीधे करो ना, आज के बाद से कसम खा लो कि बायकॉट मीडिया, कौन सी मीडिया आज की डेट में हमारे लिए काम करना चाहती है? कोई मीडिया एक लफ्ज नहीं बोलना चाहती, ना ही एसएससी के बारे में, ना ही रेलवेज के बारे में। कोई मीडिया नहीं बोलना चाहती है, कोई भी नहीं बोलना चाहता, सिर्फ और सिर्फ वही एसएसआर केस, इंक्वायरी क्या हो रही है, अमिताभ बच्चन के बेड के नीचे कब कैथेटर लगाया गया, अमिताभ बच्चन ने सुबह कब खाना खाया, अमिताभ बच्चन कब पॉटी गए, अमिताभ बच्चन ने कब क्या किया, कब वो फ्रेश हो रहे हैं, कब उन्होंने इनहेलर लिया, अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है, बस इनके पास यही काम है। मतलब आप स्तर देख रहे हो, मीडिया का कितना चीप स्तर हो गया है। इनके पास न्यूज केवल बची हुई है तो लोगों के घर को, लोगों के घर पे कैमरा लगाने के लिए इनके पास न्यूज है। यूथ मरा जा रहा है बेचारा, यहां पर आपसे इतनी इतनी फीस वसूल ली जाती है और वसूलने के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है, फीस वसूलने के बाद भी। लेकिन जब खुद के इलेक्शन की बारी आती है तो 135 करोड़ की जनसंख्या का पूरा इलेक्शन ये कंडक्ट करा लेते हैं एक महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर। सीधा सीधा आंकड़ा है, 30 दिन के अंदर, यहां पर समझो, 30 दिन के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या के इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं केवल 30 दिन के अंदर। लेकिन 50 लाख एस्पिरेंट, आप लोग केवल 50 लाख को, एसएससी का एग्जाम का रिजल्ट 3 साल में भी नहीं आता है, 3 साल में भी ये रिजल्ट नहीं आता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने आपका एनटीपीसी का एग्जाम भरा, तो एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है यह कंडक्ट करने की नौबत ही नहीं आती। अब तो ये लग रहा है कि भैया यही हाल होने वाला है, ये नोटिफिकेशन देखते देखते दफन हो जाएंगे यहीं पे, और कुछ सालों के बाद जब यहां पे खत्म हो जाएगी ये पूरी संस्कृति, तो जैसे आज हड़प्पा की खुदाई कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे हैं, वैसे ही हमारी भी खुदाई आगे आने वाली जनरेशन करेगी और आप लोगों के हाथ में ऐसे मोबाइल मिलेगा। क्योंकि सुबह शाम नोटिफिकेशन वो भी आ क्या रहा है कि अब सीईटी लागू हो जाएगा। लेकिन सीईटी में होगा क्या, कुछ नहीं पता। अब सीईटी लागू हो जाएगा मतलब क्या, बेवकूफ बना रखा है? एक पेज का नोटिफिकेशन निकाल देना है, उसमें 4 लाइनें लिख देनी है, अब सीईटी लागू हो जाएगा। कब से लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, कितने एग्जाम को लेंगे, क्या फीस होगी, कितने बार फीस लेंगे, कुछ नहीं बताना, सिर्फ सीईटी होगा, बच्चा भी ऐसा ही लगा हुआ है, सीईटी होगा। कब होगा पता नहीं। करण अर्जुन आएंगे, मूर्ख बना के रखा है क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सुबह से शाम तक रैलियों में आप लोग दिन रात एक कर दिया करते थे जब आपको चुनाव जीतने थे 2014 के और 2019 के, और उसके बाद आज की डेट में घरों में आप लोग घुस जाते हो। देख लो, कोविड अगर चल भी रहा है तो कोविड के लिए भैया जाके आप लोग सर्च कर लो। जब आप लोग सर्च करोगे यहां पर यूट्यूब पे, आप जाके सर्च करो आज की डेट में दिल्ली मेट्रो सर्च करो, आपको दिल्ली मेट्रो में ये आपको न्यूज मिलने वाली है। 7 तारीख से सर्विस स्टार्ट होने वाली है, 7 तारीख से मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एसएससी कब होगा नहीं पता, कोविड-19 चल रहा है उसके लिए। रेलवे का एग्जाम कब होगा, कोरोना की वजह से रेलवे के एग्जाम के जो सेंटर हैं वो निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं, रेलवे के एग्जाम के सेंटर निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं, और मेट्रो में मेट्रो चलाई जा रही है। मतलब यार बिल्कुल क्या बेवकूफ समझ के रखा हुआ है, बिल्कुल ही फुद्दू काट के रखा हुआ है कि यार घर पे बैठे रहेंगे, कुछ भी कर लो, ये सब शिक्षित लोग हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, मतलब ये आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। भगत सिंह ने भी कहा था जो सरकार ऊंचा सुनती है उसको धमाके की जरूरत होती है, लेकिन अब शांत नहीं बैठेंगे। 5 दिन जैसा कि अभिनय सर ने बोला हुआ है, अभिनय सर को मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं यहां पर, और अभिनय सर ने जैसा कि बोला है कि 5 दिन तक चलाएंगे ये कैंपेन, ये 5 दिन तक ट्रेंड करना चाहिए पूरे ट्विटर में। आप लोगों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं। देखो यार, हमें अपनी जिंदगी बनानी थी, बना ली, ऊपर वाले की दुआ से दाल रोटी चल रही है, कुछ कमावा लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने बारे में तो सोच लो यार, अपनी तो दाल रोटी के बारे में सोच लो। आप लोग अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में? आप लोगों को सुबह शाम रिया चक्रवर्ती के बारे में समझना है, आप लोगों को सुबह शाम विनोद क्या कर रहा है वो क्या करना है, आप लोगों को सुबह शाम वेब सीरीज कौन सी आ रही है वो समझ लेना है, आप लोगों को कौन से लाफिंग प्लेटफॉर्म में क्या आ रहा है आप लोगों को वो समझ लेना है। तरह तरह की चीजें कूड़ा कबाड़ से लेकर आप लोग ट्रेंडिंग करा देते हो। बेवकूफ सरकार नहीं, बेवकूफ आप लोग, आप लोग सरकार से बड़े बेवकूफ।
उससे ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आप बेवकूफ हो इसलिए वो बेवकूफ आपको बना लेते हैं, इसलिए आप बेवकूफ हो। उन्हें पता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए कुछ टीचर हैं जो कि आएंगे, कैंपेन चलाएंगे, ये उसको थम्सअप दिखाएंगे और थम्सअप दिखाने के बाद काम खत्म हो जाएगा, अपने अपने घर बैठ जाएंगे, फिर से यही वाली हालत हो जाएगी। कब होगा एग्जाम? वो पापा एग्जाम ही नहीं हो रहा, बेचारे घर वाले फीस दे दे के यहां पर परेशान हुए जा रहे हैं, बेटा एग्जाम कब होगा? एग्जाम ही नहीं हो रहा पापा, क्या करें? कब तक अपने आपको दोष देते रहोगे? जिंदगी भर अपने ही आपको दोष देते रहोगे? आज की डेट में स्टार्ट करी थी आपने तैयारी 26 साल की उम्र में, 4 साल तक तो ऐसे ही निकल गए, 30 साल की उम्र में आपको एग्जाम देने का भी उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, इसके बाद क्या करोगे? ऐसे बैठे रहोगे? पापा आप तैयारी तो हो नहीं पाई, अब क्या करें? क्या करोगे? क्या करोगे? दो पैसे कमा पाओगे खुद के लिए? आपके पिताजी ने तो जैसे तैसे काम कर लिया, आपको पता भी है। आज की डेट में भैया आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगता है जब स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, मेल आती हैं, और उसमें स्टूडेंट कहता है सर 5400 का सब्सक्रिप्शन है, सर 4600 हो गए हैं, अगर 800 रुपए आपसे मिल जाते तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, सर 1000 रुपए का आज पेटीएम हो जाता तो बड़ा सपोर्ट मिल जाता, सर इतने का सब्सक्रिप्शन है, सर इस बार एक बार सब्सक्रिप्शन दिला दीजिए। बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। क्यों? उस टाइम पर यह दुख होता है कि वो पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, वो आज की डेट में आपकी फीस भी वहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसी भारत के बारे में हम लोगों ने सोचा था? क्या यही समझकर वोट दिया था? क्या यह सोचकर वोट दिया था कि मोहताज होना पड़ेगा बच्चों के एग्जाम के लिए, एग्जाम डेट के लिए, एग्जाम का रिजल्ट तो छोड़ो, एग्जाम देने के लिए मोहताज होना पड़ेगा? रेलवे एग्जाम के लिए 500-500 रुपए जमा करा लिया, कितनी शर्म की बात है। दुनिया में ऐसा कौन सा एग्जाम होता होगा जो यहां पर हो रहा है? रेलवे विभाग को डूब के मर जाना चाहिए। 500 रुपए जमा करा लिए, बोल रहे हो कि 400 रुपए वापस करेंगे, शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? चलो ठीक है, आपने कर भी दिया तो उसी शर्म होने के नाते कम से कम एग्जाम कंडक्ट करा देते। आज एक साल हो चुका है, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब यार बेशर्मी का बिल्कुल ताज ओढ़ के बैठे हो क्या? मिस्टर इंडिया बना दिया जाए क्या बेशर्मी के रूप में? एक कॉन्टेस्ट करा देना चाहिए और उसमें पूरा कैबिनेट उतार देना चाहिए। एक मिस्टर बेशर्म इंडिया का कॉन्टेस्ट कराना चाहिए और पूरा कैबिनेट उतार देना चाहिए, पूरे कैबिनेट मंत्रियों को उतार देना चाहिए, फिर देखते हैं कौन निकलता है, मिस्टर बेस्ट फेवरेट इंडिया या बेशरम इंडिया। मतलब यार आप लोगों ने तो बिल्कुल यार सिस्टम के कच्चे फाड़ के रख दिए, हर तरफ कच्चे फाड़ के रख दिए हैं, हर जगह जैसे कच्चे में छेद नहीं हो जाते हैं जगह जगह, वैसी हो गई है सिस्टम की हालत। कहां से क्या दिख रहा है किसी को कुछ नहीं पता, बस चले जा रहे हैं अपनी धुन में, चले जा रहे हैं। एजुकेशन से किसी को कोई मतलब नहीं है। बच्चा कितना परेशान हो रहा है, उसका करियर क्या होने वाला है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। 3-3 साल से लगा हुआ है तैयारी में। मेरे ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जिनके बारे में मैं गारंटी देता हूं कि आज पेपर करा दो, अगर सीधे लाइन से आज पेपर होने लगे और 6 महीने के अंदर अगर पेपर करा दिया जाए तो मैं गारंटी से बताता हूं, कम से कम अपने मैं 50 स्टूडेंट के नाम दूंगा जो गारंटी के साथ पेपर निकालेंगे। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि कोई पेपर ही नहीं कंडक्ट हो रहा है। शर्म आनी चाहिए यार। और फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं, ये किसी के लिए नहीं है, सोच के देखो, किसी के लिए नहीं है ना, ये व्यूज के लिए है। यार एक बात बताओ यार, 1,00,000 व्यूज, 2,00,000 व्यूज, 3,00,000 व्यूज, 4,00,000 व्यूज दे दोगे तो उसमें मेरा क्या हो जाएगा? बताओ मेरा क्या हो जाएगा उसमें? उसमें मैं कितना कमा लूंगा? मत दो व्यूज। लेकिन मैं कह रहा हूं किसके लिए मैं बोल रहा हूं, ट्रेंड करो यार, पहुंचाओ यार। आप लोगों के अंदर क्या पावर है ये आप लोगों को बता दिया। 27% पॉपुलेशन हो 2011 के सेंसस के आधार पर, आज की डेट में तो ज्यादा ही हो गए। आप लोग ये सरकार बना सकते हो तो आप लोग ये सरकार बिगाड़ भी सकते हो। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, बहुत हो चुका, मीडिया को तो बायकॉट करना ही है। आज की डेट में कसम खा लो कि स्टूडेंट कोई भी चैनल देखेगा तो ना एबीपी न्यूज देखेगा, ना आज तक देखेगा, ना जी न्यूज देखेगा, ना एनडीटीवी देखेगा, स्टूडेंट कोई न्यूज चैनल नहीं देखेगा। स्टूडेंट ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही हमाम में नंगे हैं, सब हमाम में नंगे हैं, इन सब की एक ही कहानी है। आज से केवल और केवल कसम खा लो कि हम केवल कोई भी चैनल देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल देखेंगे, वो भी एजुकेशन चैनल देखेंगे, दैट्स इट। इतने सारे एजुकेशन चैनल है, कोई भी एजुकेशन चैनल देखो, यूथ आज के बाद कोई भी मीडिया चैनल नहीं देखेगा। इन सबके दिमाग हम ही ने खराब कर रखे हैं। दूसरा, इनको बायकॉट करो, कोई इलेक्शन नहीं आज के बाद,
कोई इलेक्शन नहीं, इनका कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज चैनल हो, इनको कहीं पर भी कोई भी रिस्पांस नहीं देना है। कोई भी रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है। ये मोहल्ले में भी एक भी आता है, कोई भी विधायक पार्षद से लेकर सांसद तक कोई भी आता है, इनको कहीं पर भी एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। इनको फील कराओ कि तुम आम आदमी हो, तो हमारे जैसे आम आदमी कि जब पैसे पैसे का मोहताज होते हैं, जब हमारा पेपर नहीं कंडक्ट होता, हमसे पैसे वसूल लिए जाते हैं करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्ति जो इकट्ठा कर ली जाती है। आज की डेट में कितने एग्जाम ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं जिनके फीस वसूल ली गई है, उसके बाद एग्जाम आज तक कंडक्ट नहीं होती। कोई उसका हिसाब देने वाला है? कोई भी उसका हिसाब देने वाला है? सरकार हिसाब देने वाली है? जुडिशरी हिसाब देने वाली? कोई हिसाब देने वाला है? कोई उसका हिसाब नहीं देने वाला। वो पैसा कहां चला गया? सब ये लोग खा गए, सब खा गए, ऊपर से नीचे तक सब ये लोग पैसा खा गए। और पढ़ाएं क्या? और कब तक पढ़ाएं? और कितना कितना पढ़ा दें? कुछ दिन बाद स्टूडेंट भी बोलने लगेगा, सर आप तो मूर्ख बना रहे हो, आप तो केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो, आप लगातार हमें कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, पेपर तो हमारा हो ही नहीं रहा है। मोदी जी कुछ तो सोच लो, कुछ तो सोच लो, इतनी उम्र हो गई है, अब तो सोच लीजिए, देश के लिए तो सोच लो। स्टेटमेंट आप ऐसे देते हो, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। यार देश को जिस तरीके से महात्मा गांधी कह के गए थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं करोगे तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला, वैसे ही मोदी जी इतना जान लो कि अगर देश को नहीं झुकने देना है ना, तो इस युवा को अपने साथ लेकर चलना है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। वो दिन दूर नहीं जब जब वायलेंस हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई गलत रास्ते पर चला है तो कहीं ना कहीं उसकी जेब पे चोट हुई है। जब इसके पास कमाने और खाने कोई नहीं होगा इस युवा के हाथ में, इसके माँ बाप किस दिन कब तक इसका साथ देंगे? चार चार साल से फॉर्म भरने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, हर दो तीन महीने में स्टूडेंट पैसे मांग लेता है, ये बच्चा पैसे मांग लेता है घर में, पापा आज 50 रुपए दे दो, मम्मी आज 500 रुपए दे दो, आज 200 रुपए दे दो, आज 300 रुपए दे दो, फॉर्म भरे चले जा रहे हैं, पेपर तो हो नहीं रहा है, घर वाले बेचारे कंगले होते चले जा रहे हैं, सुबह शाम टेंशन में मरते चले जा रहे हैं, किसी के पिताजी बीपी के मरीज है, किसी के पिताजी को डायबिटीज हो रखा है, आपको तो शर्म आती, आप लोग जो बैठे हुए कैबिनेट में उनको शर्म आती नहीं है? आप लोगों का क्या है? सुबह शाम वहां पर पार्लियामेंट में आराम से कैंटीन में मुफ्त का खाना खाना है और उसके बाद हाथ झाड़ते हुए घर चले जाना है, क्या मतलब है? सैलरी तो आपकी आनी है ना, यहां पर क्या होगा? कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? एक चीज दिखाता हूं, शर्म कर जाओगे, थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आंख में पानी आ जाएगा। जब कमेंट होते हैं तो देख लीजिए स्टूडेंट कैसे कमेंट करते हैं, ये कमेंट उठा के देख लीजिए, बच्चा क्या लिख रहा है, थोड़ी सी भी शर्म हो तो इसके बारे में सोच लेना बच्चा क्या लिख रहा है। इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहां, इसके मां बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी, ये बच्चा यहां पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है, बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप, इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो उनकी उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की यह हालत हो रखी है, किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? और हां एक चीज और, आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर SCL, TCS, एक्सचेंजर इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि पता होना चाहिए, मैंने CET में आपको बता दिया था कि CET में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं, और CET में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जिस तरीके से SSC और रेलवे का बच्चा जूझ रहा है। तो जरा दम लगाओ, इतिहास पढ़ाता हूं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं तो देख लो किसी ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया था, किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना जरूर छोड़ा था, तब जाकर आजादी मिली थी, क्योंकि सरकार ने तो आंख में पट्टी बांध रखी है, ये तो सब बेशरम होकर बैठे हुए, इनको तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। कम से कम तुम लोग तो बेशरम ना बनो, अपने मां बाप के बारे में सोच लो, अगर मैं आपके बारे में इतना सोच सकता हूं तो कम से कम इतने तो सेल्फिश बन जाओ कि अपने मां बाप के बारे में सोच लो, अपने मां बाप के बारे में सोचकर ही इसको ट्रेंड करो ट्विटर पे, सबको करना है ये ट्रेंड ट्विटर पे, 1 सितंबर सुबह 11 बजे 1 सितंबर को सुबह 11 बजे ट्रेंड करने हैं आपको, दो ट्रेंड आपको चलाने हैं, एक हैशटैग चलाना है स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, और दूसरा चलाना है SSC डिक्लेयर रिजल्ट, ये दोनों आपको ट्रेंड पे करने हैं। कोई भी वीडियो ट्रेंड करो, लेकिन हर वीडियो को दम लगाओ, हर वीडियो को आगे तक पहुंचाओ, हर वीडियो जाना चाहिए,
इस वीडियो को काट काट के क्लिप के फॉर्म में फैला। बड़े वीडियोस नहीं जाते हैं, क्लिप के फॉर्म में काट काट के छोटे छोटे क्लिप 20-20 सेकंड के 30-30 सेकंड के क्लिप करके इन सारे वीडियोस को पहुंचाओ। और भी लोग आगे आएंगे साथ में। हम सब किस लिए हैं? आपके लिए हैं। लेकिन आप लोग तो अपने बारे में सोचो। इस सरकार से कोई उम्मीद ना रखो। इसको बता देंगे कि अगर हमारे नहीं हुए तो आपको गिरा देंगे। क्या कहा? आपको बता देंगे, इस सरकार को बता देंगे अगर हमारे ही नहीं हुए तो आपको गिरा दे। जय हिंद। मुलाकात होगी बहुत जल्द। बंद करो यार।